आज हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि त्रिभुज दो आधार पर होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है भुजा और दूसरा होता है कोण। त्रिभुज भुजा के आधार पर कई प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। तो पहले हम इस पर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। भुजा के आधार पर जो सबसे पहला ट्रायंगल है वह है समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। सम माने सभी, बाहु माने भुजाएं, बराबर जिसकी सभी भुजाएं बराबर समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर हो और बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सी, एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सी ए, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरे बात त्रिभुज पे आते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो यानी कि टू साइड्स आर इक्वल, इन ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे एबी भुजा जो है बीसी एसी भुजा के बाद के बराबर है, इसलिए ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे तीनों साइड्स आपस में बराबर थी इसलिए इक्विलेटरल था, यहाँ पे एबी एसी के बराबर है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीसरा साइड के आधार पे है विषमबाहु, विषम माने कोई भी बराबर ना हो, एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी कि स्केलिंग ट्रायंगल में एबी साइड्स कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती है। और स्केलिंग ट्रायंगल ये है ए बी सी इज ए स्केलिंग ट्रायंगल बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ये हो गया स्केलिंग ट्रायंगल, क्लियर। अब हम लोग आते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के होते हैं यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे त्रिभुज के प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज जिसे राइट ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होते हैं, इन ट्रायंगल एन एंगल इज ए 90 डिग्री, एक एंगल उसमें क्या होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। अगर एक एंगल यहाँ पर एंगल बी जो है 90 डिग्री का है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरा आता है न्यून कोण त्रिभुज जिसे एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल की पहचान होती है उसके सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, सारे एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे यानी कि बिलो 90 होंगे, यानी कि एंगल ए इज लेस देन 90, एंगल बी इज लेस देन 90 और एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, यानी कि 0 से अबव 90 से कम का एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है, और जिसमें एक्यूट एंगल पाया जाएगा उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। फिर है अधिक कोण त्रिभुज जिसे कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, यहाँ पे एंगल बी जो है ग्रेटर देन है 90 डिग्री, इसलिए ये क्या है, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि कुल ट्रायंगल 6 प्रकार के हो गए, 3 भुजा के आधार पे, 3 कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे हमने बताया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अगर इसको अंग्रेजी में कहें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स तो हम उसको कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, और कोण के आधार पर अगर हम तीन प्रकार देखें तो राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल इसके उदाहरण हैं। अब आप लोग समझ में आ गए।